बख्तियारपुर में 5 अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। बिहार के राजधानी पटना स्थित बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ अज्ञात अपराधियों के द्वारा लूट किए जाने की घटना पर पटना पुलिस सफल उद्भेदन करते हुए घटना में संलिप्त 5 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके पास से 2 देसी कट्टा, एक बाइक, 12,500 रुपया लूट की गई टेप, पर्स भी बरामद किया गया है, जिसकी पुष्टि बाढ़ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने किया है। खबर अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। 12 जून 2024 को भारत माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न जगहों पर 31 सदस्यों के साथ मीटिंग की और रुपया का कलेक्शन किए और कलेक्शन का कुल 1,28,267 रुपये में बैग में डालकर अपनी मोटरसाइकिल के डिग्गी में रखकर ले जा रहे थे। और इसी में पटना चौरासी रोड जो है वहां पर समय करीब 8:30 बजे रात्रि में धोबा पुल के पास से ब्लू रंग के अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधी वादी के मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर रुकवा लिए। उसके बाद कट्टा सटाकर डिग्गी में रखा कैश, बैग, उनका टैब, पर्स, मोबाइल व अन्य सामान लूटकर हरनौत की तरफ भाग गए। उक्त घटना की लिखित सूचना दिनांक 13 जून 2024 को प्राप्त होते ही अविलंब बख्तियारपुर थाना द्वारा FIR दर्ज किया गया, जिसका कांड संख्या 342/IPC। कांड के तुरंत उद्भेदन एवं गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण पटना के द्वारा मेरी अध्यक्षता में एक छापेमारी टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा CCTV फुटेज, टावर लोकेशन तथा पूर्व की घटनाओं एवं सक्रिय सभी अपराधियों की घटना में संलिप्तता एवं भागीदारी के संबंध में तकनीकी अनुसंधान किया जाने लगा। 10-12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। अनुसंधान के क्रम में आसूचना प्राप्त हुई कि घटना के दिन कुछ अपराधी लूट व अन्य अपराध करने की योजना बनाए थे। इसमें एक अपराधी मोहन कुमार पिता उपेंद्र राय साकी नया टोला सबनीमा थाना अरमल गोला के भी घटना में संलिप्त होने के बाद प्रकाश में आया। अविलंब मोहन कुमार को हिरासत में लिया गया एवं पूछताछ किया जाने लगा। पूछताछ के क्रम में मोहन कुमार ने स्वीकार किया कि वे दिनांक 12 जून 2024 को CSP मैनेजर से लूट की घटना को अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिए थे। स्वीकारोक्ति बयान में दिनांक 12 जून 2024 को मोहन कुमार ने अपने साथी दिलखुश कुमार से अपाचे बाइक कुछ घंटों के लिए मांगे, जिसे लेकर मोहन कुमार, राजीव कुमार, प्रेसर सुनील प्रसाद, साकिन अरौत थाना बेना जिला नालंदा एवं विट्टू कुमार पिता अमरेंद्र सिंह साकिन बिजरू थाना अजमल गोला जिला पटना के साथ लूट की योजना बनाई तथा राकेश कुमार उम्र करीब 23 वर्ष अजमल गोला जिला पटना से कट्टा मांगकर दिलखुश कुमार का ब्लू रंग का मोटरसाइकिल अपाचे लेकर निकले तथा CSP मैनेजर जब पटना रांची रोड में धुआ पुल के पास पहुंचे तो उनपे एक कट्टा सटा दिया गया और उनके पास जो डिग्गी में बैग रखा था जिसमें कि पैसा था और अन्य सामान के टैग वगैरह सभी को ये लोग लूट कर फरार हो गए। मोहन कुमार की निशानदेही पर गुलशन कुमार, बिट्टू कुमार, राजीव कुमार, राकेश कुमार को गठित टीम के द्वारा पकड़ा गया। पकड़ाए राजीव कुमार, बिट्टू कुमार, मोहन कुमार, बिट्टू कुमार की निशानदेही पर लूटा गया टैग चेरो थाना अंतर्गत ग्राम खरवारा से तीरा तरफ जाने वाले रास्ते में सड़क के किनारे झाड़ी में बरामद हुआ। लूटा गया 9,500 रुपये बिट्टू कुमार के पास से, दिलखुश कुमार के पास से 3,000 रुपये उनके घर से बरामद हुआ। बैग, पर्स व अन्य कागजात जो टीम के द्वारा लगातार खोजा जा रहा था और इन लोगों के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर मिसी केवल विरह रोड में सड़क के किनारे सुनसान क्षेत्र में देखा गया था, तो सभी सामान जो थे लगभग बरामद हो गए और कैश जो है बरामद हुआ, जिसमें कि अभियुक्त राजीव कुमार के द्वारा अपने हिस्से के 8,500 रुपये को SBI में जमा कर दिया गया था दिनांक 13 को। और ये जो पैसा 85 में जमा किया गया था, जब SBI मैनेजर से हम लोग उसकी शिनाख्त की और पता किए, उनके द्वारा बताया गया कि 8,500 रुपये कैश इन्हीं बैंक से जमा किया गया है और इन्हीं के द्वारा जमा किया गया है, जिसका सत्यापन भी हो गया, जिसको सीज करा दिया गया। 13 जून 2024 को जमा किया गया, जिसकी पुष्टि बैंक मैनेजर द्वारा भी की गई। प्राथमिकी में कुल 1,31,767, जो पैसा 1,28,767 था, उसके अलावा कुछ पर्स में भी इनका पैसा जो वादी के द्वारा बताया गया है, कुल जोड़कर 1,31,767 रुपये थे, जिसकी लूटने की सूचना प्राप्त हुई। परंतु गिरफ्तार अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान में एवं उपलब्ध प्रारंभिक साक्ष्यों में कुल 34,000 रुपये लूटने की बात प्रकाश में आई है, जिसमें कुछ पैसा रिकवर काफी हो गया है और कुछ पैसा जो है उसके बैंक में है, उसने जमा किया है। और इस पूरे मामले में अनुसंधान जारी है। इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं, राजीव कुमार पिता सुनील प्रसाद, मोहन कुमार पिता उपेंद्र राय, बिट्टू कुमार पिता अमरेंद्र सिंह, राकेश कुमार पिता रामजतन सिंह, दिलखुश कुमार पिता रंजीत सिंह। ये लोग आपराधिक इतिहास मोहन कुमार का हरनौत थाना कांड संख्या 172/21 लूट का केस है, हरनौत थाना कांड संख्या 324/21 ये डकैती का केस है,
हरनौर थाना कांड संख्या 348/21 ये आर्म्स एक्ट का केस है। हरनौर थाना कांड संख्या 349/21 ये भी आर्म्स एक्ट का केस है। तो मोहन कुमार का काफी आपराधिक इतिहास रहा है, डकैती और आर्म्स एक्ट केस में लगातार ये वांछित रहा है और अपराध करता रहा है। इसके अतिरिक्त दिलकृष कुमार जो गिरफ्तार हुआ है उसका आपराधिक इतिहास हरनौर थाना कांड संख्या 174/24 हरनौर थाना कांड संख्या 349/21 ये भी आर्म्स एक्ट का केस है। और अन्य जो लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं उनका भी आपराधिक इतिहास के बारे में पता लगाया जा रहा है। जो बरामद सामान है, घटना में प्रयुक्त ब्लू रंग का अपाचे मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा, लूटी गई टैब, लूटी गई वादी का पर्स, हैंडबैग, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वाणी कागजात, लूटा गया 12,500 रुपये नगद और 8,500 रुपये जो एसबीआई में सीज कराया गया है जो उसके द्वारा राजीव कुमार के द्वारा जमा किया गया। छापेमारी टीम में शामिल सदस्य मैं था, देवानंद शर्मा जो एसएचओ थाना अध्यक्ष हैं बख्तियारपुर थाना के, एसएचओ अतमल गोला के राजीव कुमार हैं, कुंवानी संजीव कुमार, कुंवानी अरुण कुमार, ट्रक कुंवानी अनुराग हर्ष, ट्रक कुंवानी शत्रुघ्न कुमार एवं अन्य पुलिसकर्मी सभी के द्वारा अच्छा कार्य किया गया टीम के द्वारा और इनको पुरस्कार के लिए अनुशंसा मिली जा सकती है। सर इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो का भी सरगना इसमें कुछ आया है? अभी तक की अनुसंधान में इस बात के प्रकाश नहीं आया है, हो सकता है अनुसंधान में कुछ इस तरह के वक्त तक आएंगे तो जरूर आपके साथ हम शेयर करें।